अब खबर जनपद हरिद्वार से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना उन्नत भारत अभियान के तहत देश का पहला ई स्मार्ट क्लिनिक जनपद के पिछड़े गांव गैड़ी खाता में शुरू किया गया। बता दें कि इस योजना का उद्देश्य देश के हर ग्रामीण और पिछले हिस्सों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाना है। जानकारी के अनुसार निजी क्षेत्र की लॉर्ड मार्क इंडस्ट्री देश भर में इस तरह के 16,000 गांवों में 1,000 करोड़ के निवेश से ई स्मार्ट क्लिनिक की शुरुआत करेंगे। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। ये देखिए, ये इनिशिएटिव लॉर्ड मार्क इंडस्ट्री ने आज उन्नत भारत अभियान के साथ कोलैबोरेशन विद IIT दिल्ली के साथ किया है। ये अभियान अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है और मिशन भी बोल सकते हैं आप, कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर इन एवरी विलेज। जैसे आज सिटी का एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, विलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ये लेवल पर ला, तो यही मिशन पर लॉर्ड मार्क इंडस्ट्री आज काम कर रही है इन हैंड टू हैंड विद उन्नत भारत अभियान। दिस इज द फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट इन गेंदी खाता, जिधर आज आप लोग सब उपस्थित हुए। ये ई स्मार्ट क्लिनिक एक रेवोल्यूशन होएगा आज हेल्थ इंफ्रा में। आज एक गांव वाले को शहर जाने के लिए अपनी बेसिक टेस्टिंग कराने के लिए जो दिक्कतें आती है, ई स्मार्ट क्लिनिक वो सारी दिक्कतें आज क्लियर करेगी। ये IIT दिल्ली की ओर से एक इनिशिएटिव लिया गया है उन्नत भारत अभियान के तहत, जिसमें लॉर्डमेड एक प्राइवेट कंपनी को हमने रोल इन किया है एज अ मेडिकल सपोर्ट पार्टनर। और यहाँ पर हम लोग अभी जो ये मशीन एक इंस्टॉल करी गई है, ई स्मार्ट क्लिनिक का आज शुभारम्भ हुआ है, जिसमें करीब 30 टेस्ट निःशुल्क यहाँ की जनता को प्रोवाइड किए गए। साथ ही साथ जो टेस्ट होंगे उसको पढ़ने के लिए जो रिपोर्ट्स होंगी उसका जो दिल्ली और बॉम्बे में जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनके साथ टेली मेडिसिन टेली कंसल्टेशन के माध्यम से वो यहाँ की जनता उनसे कंसल्ट कर सकती है और अपना दवाई यहीं से परचेज करते हैं।